मैं हूँ नदीम फेरोजई और फेरोजई इस ब्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आजकल कोरोना की वबा है और लोग घरों तक महदूद हैं, क्वारंटाइन अपने घरों में, तो मेरा भी ये प्यार मैसेज है कि स्टे होम, स्टे सेफ, महदूद रहें, महफूज रहें। तो अब घर पे हैं तो क्या एक्टिविटीज़ की जाएँ जिसमें हम जहनी और जिस्मानी तौर पर भी चुस्त रहें, हमारी सेहत बेहतर रहे। तो उसके लिए आप बागवानी कर सकते हैं, पेट्स पाल सकते हैं। जैसा मैंने ये बिल्लियाँ ये पाली हुई हैं तो इनके मैं स्टेटस वगैरह लगाता रहता हूँ। अमूमन दोस्त पूछते हैं कि यार इनकी केयर किस तरह से करनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए और उस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँ कि बिल्ली का बच्चा है किस तरह से उसे पोटी ट्रेन करना है, किस तरह से इसकी मेडिसिन अगर हमने कभी देनी है बीमार हो गई वो किस तरह से देनी है, किस तरह से इसकी केयर करनी है। तो ये स्टेप बाय स्टेप अभी हम देखेंगे। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें उसको, और जो है उसका बेल आइकन जो है उसको दबा दें घंटी, ताकि आपको नई वीडियो सारी हमारी मिलती रहे। बिल्ली की खुराक जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बाज़ार में अवेलेबल है, मिलती है, और जो किटन्स हैं जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से और एडल्ट के लिए अलग से होती है। वो भी अच्छी कोई मैरी जो है वो ख़रीद लें और बिल्ली को जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे देते रहें। ये देखिए आप इसमें जो है ये बच्चों की खुराक है, वो बच्चे इतने शौक से खा रहे हैं तो ये ज़रूरी है। बिल्ली को जो है पोटी किस तरह से ट्रेंड किया जाए, तो आपने एक जो है कोई बड़ी सी चीज़ लेनी है, उसके अंदर मिट्टी रख लें और उसके अंदर जो बड़ी बिल्ली है वो तो ट्रेंड है, वो ख़ुद से उसमें जाके जो है वो देखें अपने पंजों से खुरचती है और उसके अंदर वो, अब आप देखें इसको कि ये बिल्ली जो है इसके अंदर ये जो है वो पोटी कर रही है। लेकिन जो छोटे बच्चे उनको ट्रेंड करना होता है और उनको हम जो है अभी आपको बताएँगे किस तरह से ट्रेंड करना है। इस मिट्टी को आप जो है दरवाजे के साथ गैलरी में बाहर कहीं रखें और चंद मरतबा जो है वो दिखा दें बिल्ली को, तो बिल्ली ख़ुद से जो है वहाँ पर जाके जो है वो पोटी वगैरह करने लगेगी। इसी तरह छोटे बच्चे हैं उनको ट्रेंड करना इशू होता है, तो उन बच्चों को पहले आपने जो है इसके अंदर रखना है एक दो मरतबा मिट्टी के अंदर, बिल्ली के बच्चे को जो है वो उसके अंदर छोड़ दीजिए और वो उसको अपने पंजों से जो है वो मिट्टी को खुरचेगा और इस तरह से उसे जो है वो आदत डलेगी। अगर वो नहीं जा रहा तो आपने उसके पंजों को ख़ुद से यूँ करना है ताकि उसको पता चले कि मिट्टी को यहाँ पे हमने खुरचना है, और इस तरह देखिए अब मिट्टी खुरचना शुरू करेगा और वहीं पे जो है वो बच्चे जो है वो पीसी और पोटी वगैरह करेंगे। इसकी ट्रेनिंग इसी तरह से आपने करनी है चंद एक दिन, और उसके बाद जो है इसको आपने मिट्टी को रोज़ाना तब्दील करते रहना है। मिट्टी को आप तब्दील करेंगे ताकि जो है वो घर में जो है वो गंद भी ना हो, बदबू भी पैदा ना हो और इन बच्चों को जो कोई इन्फेक्शन भी ना हो। अमूमन लोग ये पूछते हैं कि बिल्ली को कोई बुखार हो गया है या उसको कोई मेडिसिन देनी है तो वो किस तरह से दें। अब आप अगर देंगे वैसे तो बिल्ली जो है वो आराम से नहीं मेडिसिन पीती, पंजे वगैरह मारेगी, तो उसका तरीका अभी हमारी बिल्ली है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको एरिनिक थोड़ी सी हमने देनी है और इसका किस तरह से हमने जो है उसको मेडिसिन पिलानी है वो भी आपको दिखाते हैं। और पहले जो है आप मेडिसिन को अच्छी तरह हिला लें और हिलाने के बाद जो है उसको किसी भी सरेंज में निकाल लें। निकालने के बाद एक टावल लेना है आपने और बिल्ली को आपने वॉक कर लेना यूँ, जिस तरह उसके पंजे जो है उसके अंदर बंद हो जाएं और वो पंजे ना मारे। उसके बाद उसके एक साइड से जो है आपने उसको जो है मेडिसिन पिलानी है यूँ, चेहरे के एक साइड से और एक साइड से उसको जो है आपने मेडिसिन जो है यूँ पिला देनी है। तो आप देख रहे हैं ये इसने पी लिया, ये थी हमने इसको पिला दिए और कितने आराम से इसको मेडिसिन जो है वो पिला दिया हमने। जो है बिल्ली को मेडिसिन पिलाने का तरीका इसी तरह, बच्चे को अगर कोई आपने मेडिसिन देनी है या बिल्ली को देनी है कोई एंटीबायोटिक देनी है, लेकिन डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और डॉक्टर जो आपको लेके देता है उस तरह आपने इसको पिलाते रहना है। महीने में एक बार बिल्ली को लाजमी जो है वो बात दें, उसको नहलाएँ, नीम गर्म पानी ले लें बाल्टी में या टब में। शैम्पू बाज़ार में मुख्तलिफ मिलते हैं, कोई सा भी आप परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, और टॉवल से उसको अच्छी तरह खुश कर लें रब करते हुए, और इसके बाद जो है वो जब बिल्ली खुश हो जाती है, उसके बाल खुश हो जाते हैं, तो ड्रायर से उसको हमने जो है उसको खुश कर लेना है।